Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an Ifight. Fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. IFA. मेरा नाम अनिल टाक है. मैं उप महाप्रबंधक हूँ SBI के LHO दिल्ली से. और मेरे साथ में ही जयंत शर्मा श्री जयंत हैं, जो कि हमारे आगरा, मथुरा और वृंदावन और कौशी के AGM है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर. आज हम लोग आपको बताएं कि भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जो कार्यक्रम है, जिसके तहत हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम गांव और सुदूर क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहां तक हम अपनी जनधन के जो खाता धारक हैं उन तक अपनी पहुँच बना सकें और उनको अपने घर के पास में जितना नज़दीक हो सके बैंकिंग सुविधाएँ दे सकें. यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे CSP हैं, जो कि हमारे सुदूर गांव के अंदर या जहाँ पर बैंक की शाखाएं नहीं हैं उनको बुलाया है. उनके साथ में कुछ जो हमारे खाताधारक हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको बुलाया है. और उसके पीछे सोच और प्रयास यह है कि पहली चीज़ तो जो बैंक के नए डेवलपमेंट हैं वो उनके साथ हम शेयर करें, और दूसरा हमारा सोच यह है कि उन लोगों को ज़मीनी स्तर पर जो प्रॉब्लम आ रही है, जमीनी स्तर पर जो दिक्कत आ रही है, उन दिक्कत को हम दूर करें. बैलेंस के खाते खोलने में प्रारंभिक स्तर पर कुछ अड़चनें हो सकती थी कनेक्टिविटी वगैरह के लेकर के, लेकिन जब से आधार से लिंक हुआ है और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम जो है वो हमारे सारे ग्राहक सेवा केंद्रों पर पहुंचा है, उसके बाद इस तरह की दिक्कतें बिल्कुल कम हो गई हैं. और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो पर्टिकुलर उस केंद्र के ऊपर या तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है. मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि आज जो इस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ आए हैं और जो जनधन के खाते हैं उनमें इस तरह कोई भी न्यूनतम राशि रखने की कोई सीमा नहीं है. इस तरह का कोई भी मिनिमम बैलेंस का जनधन के खातों में कोई नियम लागू नहीं. मेरे ख्याल में ये हो सकता है किसी पर्टिकुलर शाखा में कोई विशेष दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो. बाकी सामान्यतः क्योंकि आज आप यहाँ देख रहे हैं जितने भी ग्राहक सेवा केंद्र के प्रतिनिधि आए हैं वो सब इसी काम में लग रहे हैं. और भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक तो देश का सबसे बड़ा बैंक है. उसके अंदर लगभग 55,000 से ज़्यादा हमारे CSP कार्यरत हैं, जिन्होंने लाखों की संख्या में खाते खोले हैं. तो मुझे नहीं लगता कि जनधन के खाते खोलने में कहीं कोई समस्या आ रही है. हो सकता है ये कोई शाखा की प्रॉब्लम हो, लेकिन मुद्रा के लोगों को, मुद्रा के लाभार्थियों को, ना केवल भारत सरकार बल्कि भारतीय स्टेट बैंक की हर शाखा के अंदर हम लोग विशेष रूप से उनको आमंत्रित करते हैं, उनकी मदद करते हैं. और प्रत्येक शाखा के अंदर, क्योंकि जहाँ तक हमारी आगरा, मथुरा और वृंदावन की शाखा है, आपको जैन जी बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने प्रत्येक शाखा के अंदर मुद्रा के लोनों के लिए विशेष व्यवस्था की है. और शाखा प्रबंधक को इस चीज़ के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मुद्रा का कोई भी लाभार्थी या मुद्रा लेने वाला कोई भी व्यक्ति, उसको पूरी तरीके से गाइड किया जाए और उसकी यथासंभव मदद की जाए. मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सभी जो भी खाताधारक हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा कि भारत सरकार की और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से 12 रुपये का जो सुरक्षा बीमा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसका लाभ जरूर लें. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत केवल 12 रुपये की प्रीमियम पे अगर हम प्रति माह देखें तो 1 रुपये का भी प्रीमियम नहीं आता है. उसके ऊपर खाताधारक को 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिलता है. इसी तरह की दूसरी जो बीमा है वो जीवन ज्योति बीमा योजना है, जिसको PMJJY के नाम से हम जानते हैं. उसके अंदर प्रीमियम 330 रुपये है और अगर हम उसको प्रतिदिन से देखें तो 1 रुपये से भी कम प्रीमियम आती है. ये ऐसी 2 योजना है, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ कोई ऐसी घटना हो, आपदा हो, लेकिन अगर ऐसी आपदा की स्थिति होती है तो उसके परिवार को एक आर्थिक संबल होता है. नहीं, ये बीमा देखिए बहुत ही कम प्रीमियम की राशि में
क्योंकि आप लोगों का अनुभव है, इतने कम प्रीमियम के अंदर पूरे विश्व के अंदर इतना सस्ता इंश्योरेंस जो है कहीं नहीं मिलेगा। 330 रुपए में 2 लाख का जीवन बीमा और 12 रुपए में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा, और उसके साथ में जो अटल पेंशन योजना है, ये ऐसी योजनाएं हैं जिनका फ़ायदा जो है वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। और आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप अपने सारे जितने भी व्यूअर्स हैं उन तक इसके लाभों को पहुंचाएं। जैसे रुपए कार्ड, रुपए कार्ड एक ऐसी योजना है जिसको यदि हमारा खाताधारक काम में लेता है तो उसको काम में लेने से ही उसको एक बीमा का लाभ मिल जाता है। तो हमारा निवेदन है कि आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। मैं पहले परिचय दे दूँ आपको, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक इस तरफ के मथुरा जिला जो है इसके पूरे क्षेत्र में हमारी करीब 55 शाखाएं हैं, उन शाखाओं के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ GS जयंत नाम से। ये सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हमारी सभी शाखाएं अधिकृत हैं, और सभी शाखाएं जो है चाहे वो मुद्रा के लोन्स हों, चाहे हमारी जो है ना सुरक्षा बीमा योजना हो, जितने भी सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उन सभी को हम गांव-गांव तक घर घर तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमारे पिछले मुद्रा योजना जब से शुरू हुई है करीब 550 लोन्स जो हैं वो डिसबर्स हो चुके हैं इस क्षेत्र में, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूँ, और इस क्षेत्र में 550 लोन डिसबर्स हो चुके हैं। और अभी हमारा लक्ष्य जो है हर एक शाखा जो है कम से कम 5 लोन जो है वो अगले 3 महीने में जरूर करेगी, इसमें उससे ज़्यादा भी कर सकती है लेकिन कम इतने तो करेंगे ही उसमें। तो जो भी लाभार्थी है जिसको अगर मुद्रा के लिए लोन चाहिए, हम वैसे शाखा प्रबंधक खुद प्रबंध उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन उनके पास में शाखा में आते हैं तो उनको बेसिक जानकारी दी जाती है, उनको योजना के लाभ और योजना के लिए जो आवश्यक कार्यवाही है उनको बताया जाएगा, और बताने के बाद में उनको एप्लीकेशन को उनको लेकर के और प्रोसेस कराया जाएगा। उसमें हमारे यहाँ पे प्रोसेसिंग सेंटर है जहाँ पर इनकी योजना का जो लाभ के लिए उसको स्वीकृत किया जाता है, और स्वीकृत करने के बाद में उनको ऋण को लाभार्थ दिया जाता है उसमें जो है। तो हमारा उद्देश्य है सरकारी योजनाओं का लाभ सभी लोगों को